हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं अंटार्कटिका से टूट करके एक दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल हिमखंड जो है टूट करके अलग हो गया है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या मायने हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जो है किस कारण से जो है इसके टूट करके अलग हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ अंटार्कटिका से जो है विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग A76 जो है टूट करके अलग हो गया। इसका नाम A76 है, ये टूट करके अलग हुआ है। इसका एरिया भी मैं आपको बताऊँ तो जो भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के पूरे क्षेत्रफल का 3 गुना आप मान लीजिएगा, इतना जो है क्षेत्रफल ये जो है इसके टूट करके अलग हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो है हिमखंड किस तरीके से टूट के गिरा है, इसके क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण इसका ग्लोबल वार्मिंग ही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है जो तापमान है, तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है, इस कारण से जो है जो हिमखंड हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। देखो इसके क्या कारण, इनके क्या मायने हो सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। यदि जैसे कहीं यहाँ पर जो है अंटार्कटिका पर ये जो है ग्लेशियर टूट करके गिरा है तो ये समुद्र में पहुँचेगा, तो जब समुद्र में पहुँचेगा तो वहाँ का क्या होगा, जलस्तर जो है जलस्तर में वृद्धि होगी। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जो आसपास के बसे हुए शहर या गांव जो आबादी होगी वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी तो उनमें जो है बाढ़ आने का पूरा खतरा रहने वाला है। तो इससे जो है ये एक तरीके की लोगों के लिए चेतावनी है कि जो अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। आप समझ सकते हैं ये अंटार्कटिका जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइट कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। इसको साथ ही साथ इसको डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, मतलब गतिशील कॉन्टिनेंट। इसका कारण ये है गतिशील महाद्वीप, क्योंकि ये जो है इसका जो पूरा बर्फ़ का ये है तो इसका जो आकार है वो घटता और बढ़ता रहता है, इस कारण इसको जो है ये कहा जाता है। देखो भारत के इसमें जो है कुछ परमाणु केंद्र, मतलब जो अनुसंधान केंद्र भी हैं, परमाणु नहीं सॉरी, कुछ अनुसंधान केंद्र है भारत के जहाँ पर इसमें जो है खोज की जाती है सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि लोग तो यहाँ पर रहते नहीं हैं। तो यहाँ का जो है दक्षिण गंगोत्री भारत का एक यहाँ पर केंद्र है, साथ ही साथ भारती और मैत्री, 3 जो है भारत की तरफ से अनुसंधान केंद्र लगाए गए हैं जिनसे जो है अंटार्कटिका में खोज का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वर्क है वो यहाँ पर चलता है। तो इसका कारण जैसा कि मैंने आपको बताया तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग ही इसका एक मेन कारण है, जिसके कारण जो है यहाँ पर ये हिमखंड जो है टूट करके अलग हुआ है। या आप जैसे देखा ये A76 आइसबर्ग इसका नाम है, ये टूट करके अलग हुआ है। तो जो मैं आपको बता दूं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती किस वजह से है, देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं जिनकी वजह से हमारा हम जो इमिशन करते हैं सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उसमें जो मेन गैस है हमारी जो CO2 जो सबसे ज़्यादा छोड़ी जाती है, 76% कंटेंट CO2 का ही आ जाता है। उसके बाद मीथेन नंबर 2 पे होती है 16%, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस का ही हिस्सा है। साथ ही साथ ओजोन गैस जो है, ओजोन भी इसी का हिस्सा है, और वाटर वेपर भी जो होती है इसी का ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव होता है। देखिए ओजोन गैस जो है, यदि मान लीजिए ओजोन गैस बढ़ जाती है तो उससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है। जो हमारी CFC और HFC जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, इनसे भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो इससे जो है वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि होती है, तो इसको लेकर के जो है ये बताया गया है। तो जो ओजोन लेयर है हमारी, देखो एक ओजोन गैस जो होती है ये हमारे लिए तापमान में वृद्धि तापमान में वृद्धि करती है, लेकिन जो ओजोन लेयर है वो जो है पूरी पृथ्वी को जो है प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है स्किन के लिए। यदि यूवी रेज मान लीजिए सामने एकदम से अर्थ पर डायरेक्ट पड़ने लगे तो लोगों को जो है स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है इससे बहुत ज़्यादा, और जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ओजोन लेयर जो है, जो समताप मंडल है हमारा, इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। तो यूवी रेज जो है, तो ओजोन रेज जो है, तो ओजोन में जो है छिद्र का पता लगाया गया था, जो सबसे पहले छिद्र का पता लगाया गया था वो अंटार्कटिका में ही इसका छिद्र का जो है पता लगाया गया था। तो ओजोन दिवस जो है वो विश्वभर में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखो इससे पहले आप समझ लीजिएगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में जो है पेरिस जलवायु समझौता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे गए थे पेरिस फ्रांस में जो हुआ था। तो इसमें था ये कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रभाव है उसको कम करना, जलवायु परिवर्तन को जो है नियंत्रित करना, तो CO2 का जो इमिशन है इसको रोकना, इसका जो है पूरा उद्देश्य था। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हटने का भी फैसला किया था, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है जो बाइडेन की, उन्होंने जो है इसमें दोबारा शामिल होने की बात कही है। इसके अलावा ग्रीन हाउसेज गैसेज में जैसा कि मैंने आपको बताया ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, उस दिन एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ
था ओजोन दिवस के लिए, तो उसमें जो है ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसको किया गया 16 सितंबर 1987 को ही हुआ था। जैसा कि मैंने बताया दिया आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप ध्यान रखिएगा, इसी में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे उनका ये कहना था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के जो देश हैं यहाँ पर सूर्य की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, तो इनको इन्होंने सूर्यपुत्र कहा था। तो जो सूर्यपुत्र ये जो देश है सभी मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करें, क्यों ना हम जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग किया जाए। तो इसी के तहत जो है भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। एकमात्र जो है विश्व का अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत में स्थित है, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में स्थित है और अजय माथुर इसके जो है अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा इसको लेकर के जैसे कोप 21 मैंने बताया, तो कोप 26 का जो है आयोजन होने वाला है 2021 में आयोजन होगा इसको ग्लासगो में जो है यूके में इसका आयोजन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत को इसमें आमंत्रित भी किया गया है। इसके अलावा कोप 25 जो हुआ था वो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था जिसको चिली की अध्यक्षता में कराया गया था 2019 का। 2020 का जो कोप था वो जो है कोविड-19 की जटिलताओं के कारण नहीं हो सका। इसके अलावा दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरी क्लासेस से डेली आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इससे जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।